गाइस वेलकम टू दिस सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द फाइनेंस कमीशन इन इंडियन पॉलिटी। दिस सेशन हैविंग अप्रॉक्सिमेटली 20 एमसीक्यूज एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो वॉच द कंप्लीट सेशन गाइस। एंड यस, इफ एनीवन इज विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Your question is, under which article of the Indian Constitution there is a provision for the Finance Commission? Your A option is Article 320, B option is Article 280, C option is Article 324, and the last one option is Article 108. And this question is very, very important. So the right answer will be option B, that is Article 280. Under Article 280, there is a provision for the Finance Commission of India, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो फाइनेंस कमीशन है उसका टेन्योर कितना रहता है? सो योर ए ऑप्शन इज 4 ईयर्स, बी ऑप्शन इज 5 ईयर्स, सी ऑप्शन इज 7 ईयर्स एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज 10 ईयर्स। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल ले डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ए ऑप्शन इज प्लानिंग कमीशन, सॉरी, बी ऑप्शन इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सी ऑप्शन इज फाइनेंस कमीशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो दिस विल बी द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 ईयर। हम इसको प्रीवियस ही देख चुके हैं, जो फाइनेंस कमीशन है उसका टेन्योर रहता है 5 ईयर, राइट? सो यो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन इज टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, बी ऑप्शन इज टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ऑप्शन इज टू डिटरमिन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू डिटरमिन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द ग्रांट्स एंड द रिवेन्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, that is finance commission determine the shares of the state in the grants and revenues of the central government. Next question is the finance commission consists of a chairman and your A option is 7 other members, B option is 5 other members, C option is 4 other members and the last one option is such other members as may be decided by the president from time to time. तो पूछा जा रहा है जो फाइनेंस कमीशन है उसमें टोटल कितने मेंबर रहते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तो चेयरमैन रहता है, बाकी अदर कितने मेंबर रहते हैं, राइट? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक चेयरमैन होता है और जो है 4 अदर मेंबर रहते हैं। सो टोटल मेंबर आपके हुए 5, राइट? सो फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर्स रहते हैं 5, इनका टेन्योर भी रहता है 5 ईयर्स का, राइट? और इनकी अपॉइंटमेंट भी गाइस ये यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, इनकी अपॉइंटमेंट भी करते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी फाइनेंस कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जब से हमारा संविधान बना है तो अभी तक जो है कितने फाइनेंस कमीशन जो है बनाए जा चुके हैं, ये क्वेश्चन बात कर रहा है। योर ए ऑप्शन इज 10, बी इज 8, सी ऑप्शन इज 9 एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज 15। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। नाउ यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। सो योर ए ऑप्शन इज एन के सिंह, बी ऑप्शन इज एन के मिश्रा, सी ऑप्शन इज एन के राजन एंड डी ऑप्शन इज एन के त्यागी। अब देखिए गाइस यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत मतलब सेम टू सेम दिए हुए हैं, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एन के सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, right? And the 15th Finance Commission was constituted in 2017 and its ka jo tenure rahega wo 5 saal ka rahega jaise maine bataya, so wo start hoga from the 2021-22 to 2025-26 tak, right? Now let me see some important points. So first point dekhiye, jo first Finance Commission was constituted in the year 1951, this point is very very important. Further is the who was the first chairman of this finance commission? So आपको याद रखना है केसी न्योगी, उनका नाम केसी न्योगी था। और जो रिसेंट में जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी, ये भी आपको याद रखना है। और एट प्रेजेंट जो काम कर रहा है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन हुआ है 2017 में, राइट? और अभी तक टोटल जो है 15 फाइनेंस कमीशन जो है बन चुके हैं, राइट? एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंस कमीशन? सो इट इज इन न्यू दिल्ली, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15th फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड शिफ्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सब्जेक्ट्स
टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द सेवंथ शेड्यूल। देखिए जो तीन तरह की लिस्ट रहती हैं वो रहती हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसको हमने जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो जब सेशन किया था वहां पर डिस्कस किया था, और इनके बारे में डिफाइन हुआ है सेवंथ शेड्यूल में। तो जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन बना है उसने जो है कौन से सब्जेक्ट की जो है शिफ्टिंग बताई है स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में, राइट। सो आपको योर ए ऑप्शन इज हेल्थ, बी इज एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन इज पब्लिक ऑर्डर एंड डी ऑप्शन इज बैटिंग एंड गैम्बलिंग। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वो सेट अप इन द ईयर। योर ए ऑप्शन इज 1956, बी इज 1965, सी ऑप्शन इज 1951 एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज 1948। एंड नाउ आई होप दैट यू गेस द राइट आंसर, क्योंकि हम इसको प्रीवियस कर चुके हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1951। अगर हम कंप्लीट डेट की बात करें सो वो थी 22 नवंबर 1951, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग शेल कॉजेस एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Your A option is the President of India, B option is the Speaker of Lok Sabha, C option is the Prime Minister of India and D option is Union Finance Minister. So the right answer will be option A, that is the President of India. Next question is Federal Finance Commission in India relates to. A option is finances among the states, B option is finances between the states and the center, C option is finances between the center and the local self-government and D option is none of the above. So right answer is option B, that is finances between states and the center. Next question is the State Finance Commission is A option is a legal body, B option is a non-statutory body, C option is constitutional body and the last one option is none of the above. So the right answer will be option C, that is State Finance Commission या Union Finance Commission. These both are the constitutional body. And जो State Finance Commission है इट डील्स या इट कम्स अंडर द आर्टिकल 243 I, और जो यूनियन फाइनेंस कमीशन है इट इज अंडर द आर्टिकल 280। आपको दोनों याद रखने हैं। और जो यूनियन फाइनेंस कमीशन होता है उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, राइट। आपको ये दोनों पॉइंट जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज। ए ऑप्शन इज टू डिटरमिन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस and to determine the principles of the financial aid given by the center to the state, B option is financial control over state, C option is financial control over central and D option is none of the above. So right answer will be option A, that is the function of finance commission is to determine the part of states in central taxes and to determine the principles of financial aids given by the center to the states. और ये क्वेश्चन जो है हम काफ़ी बार कर चुके हैं। अब बस क्वेश्चन को जो है या ऑप्शंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है। सो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका फंक्शन क्या रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। योर ए ऑप्शन इज डिवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स, बी ऑप्शन इज डिवोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी, सी ऑप्शन इज अवार्ड इन ग्रांट्स इन एड, डी ऑप्शन इज डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, that is devolution of trade tax is not a function of finance commission. Next question is main agency to resolve the fiscal disputes between the center and the states is. A option is Supreme Court, B is Law Minister, C option is Finance Minister and D option is Finance Commission. So the right answer will be option D, that is Finance Commission. अब listen guys, हो सकता है इस time पर अभी जब आप MCQs कर रहे हो तो आपको जो है आंसर कर पाना इजी हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है हम फाइनेंस कमीशन पे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ऑब्वियस ही बात है आपका आंसर जो है फाइनेंस कमीशन ही आएगा। बट लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये चीजें जो है कंफ्यूज करेगी। सो मेनली फोकस कीजिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। ए ऑप्शन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B is the Planning Commission, C option is the Finance Ministry and D option is the Finance Commission. So I hope कि आपने अभी option D choose किया होगा, but इसका right answer आएगा option C, that is Finance Ministry. जो controlling authority होती है government expenditure की वो रहती है Finance Ministry, not Finance Commission, right? इस question को include करने का मेरा main purpose यही था कि exam में इसी तरह जो है question पूछा जाएगा और आप confused होगे, right? The next question is the provision regarding division of taxes between the union and the states. A option is
एज वी नो दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है, इनको किस सिचुएशन में जो है सस्पेंड किया जा सकता है. सो योर ए ऑप्शन इज कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, बी ऑप्शन इज कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सी ऑप्शन इज कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, एंड डी ऑप्शन इज कैन बी सस्पेंडेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. अगर जो है नेशनल इमरजेंसी अनाउंसड हुई है तो उस केस में जो है डिविजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट को जो है डिले किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग द यूनियन फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. सो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज द फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड सिक्स मेंबर्स, एंड सेकेंड वन इज इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द नीति आयोग. Now you have to choose the correct code to tell which statement is correct one. So the right answer is option C, that is neither one nor two. हमने previous ही कर चुके हैं कि जो finance commission है उसमें total member रहते हैं आपके 5, एक chairman and 4 जो है other members रहते हैं. और जो finance commission होता है वो उसका chairman अपनी report submit करता है president को, right, president of India को. ये point आपको अच्छे से याद रखना है. तो यहाँ पर जो है दोनों ही statement जो है wrong one है, right. So now let me see some important points. कुछ जो है हम कवर अप कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जो वहां पर नहीं हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके. तो देखिए पहला पॉइंट है द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेदर इट इज अ यूनियन फाइनेंस कमीशन और अ स्टेट फाइनेंस कमीशन, राइट. तो जो आपका फाइनेंस कमीशन है इट इज अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब सेकेंड पॉइंट पर आइए दैट फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट टू द नीति आयोग और द अदर वन, राइट. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन. जो फाइनेंस कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, वो करता है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और उसका टेन्योर रहता है 5 ईयर, राइट. और नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर रहते हैं, तो जो उनकी एलिजिबिलिटी रहती है उसको कौन डिटरमिन करता है, कौन डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट वन पॉइंट इज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन. अच्छा ये कवर अप हो चुका, जो चेयरमैन होता है वो सबमिट करता है रिपोर्ट को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, राइट. नाउ फर्दर इज कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. हम प्रीवियस कर चुके हैं इसमें 5 मेंबर होते हैं, 1 इज द चेयरमैन एंड 4 इज द अदर मेंबर्स, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो किस किस चीज पर जो है रिकमेंडेशन अपनी देता है, राइट. फर्दर इज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 22 नवंबर 1951. इसको भी हम प्रीवियस कर चुके हैं. के सी नियोगी वॉज द चेयरमैन एट द टाइम, एंड जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी, एंड जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके जो अभी के चेयरमैन हैं वो है नंद किशोर सिंह. और 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इन द ईयर 2017, राइट. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज. सो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा. सो प्लीज लाइक द वीडियो गाइज, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.